नमस्कार, आज हम बात करेंगे तिल के बारे में। देवी और देवताओं को तिल चढ़ाने के पीछे आखिर कारण क्या होता है? आखिर हम उन्हें तिल चढ़ा करके कैसे प्रसन्न कर सकते हैं और किस प्रकार की कृपा तिल चढ़ाने से हमें प्राप्त होती है और आखिर तिल की उत्पत्ति हुई कैसे? इन सभी विशेष जानकारियों के बारे में आज हम विस्तृत रूप से जानेंगे। हमारे सनातन धर्म में इस प्रकार की मान्यता है कि देवी और देवताओं को काले तिल चढ़ाने से वे प्रसन्न होते हैं और इनकी कृपा हमें प्राप्त होती रहती है। पद्म पुराण के अनुसार मान्यता है कि तिल की उत्पत्ति का कारण भगवान विष्णु ही थे। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु के शरीर से जो पसीना निकला था, जिससे उस पसीने की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी और वे एक बीज के रूप में उत्पन्न होकर के एक पौधे का रूप ले लिया, वह तिल के ही बीज बने, जिसे भगवान विष्णु ने मोक्षदायक होने का आशीर्वाद दिया। साथ ही तिल के बीजों को सबसे पवित्र और शुद्ध अनाज के रूप में भी माना जाता है, जिसके बिना हवन, तर्पण, तुलसी वर्षा, विष्णु पूजा और विभिन्न तरह के अनुष्ठान अधूरे माने जाते हैं। भगवान विष्णु को तिल अत्यधिक प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा तिल के बिना अधूरी मानी जाती है। सनातन धर्म में लगभग हर कर्म में तिल का प्रयोग किया जाता है और सभी प्रकार के 16 संस्कारों में भी तिल के उपयोग के बिना वह संस्कार अधूरा माना जाता है। चूँकि विष्णु भगवान को तिल अति प्रिय हैं, इसलिए उनकी पूजा में भी तिल का प्रयोग अति आवश्यक होता है। इस संपूर्ण सृष्टि में सर्वप्रथम तिल को ही सृष्टि का सर्वप्रथम अन्न माना गया है और इसीलिए ग्रंथों में बतलाया गया है कि मकर संक्रांति पर तिल को पानी में डालकर नहाया जाता है और तिल को भगवान का भोग भी लगाया जाता है और उसके बाद सर्वप्रथम तिल को ही प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। तिल का दान उस दिन अति आवश्यक माना जाता है और हवन इत्यादि में भी तिल की आहुति दी जाती है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो तिल तो काफ़ी खास है ही, लेकिन आयुर्वेद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। पद्म पुराण के अनुसार मान्यता है कि जिस भी जल में हम तिल डाल देते हैं, वह जल अमृत के समान होता है और वह जल औषधि की श्रृंखला में आता है। हवन की क्रिया में तिल का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है। इसके पीछे काफ़ी वैज्ञानिक प्रयोग भी किए गए हैं। हवन की धुएं से वायुमंडल शुद्ध होता है और करीब 94% हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और यह सब संभव हो पाता है तिल के चलते, क्योंकि हवन में सबसे ज़्यादा तिल की मात्रा होती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक हवन के धुएं से एक विशेष प्रकार की गैस निकलती है जो खतरनाक कीटाणुओं को मार देती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक औषधीय हवन के धुएं से फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले हानिकारक जीवाणु को भी हटाया जा सकता है। साथ ही साथ हवन के धुएं से मनुष्य और पशु पक्षी के शरीर में पनप रहे रोग भी खत्म हो जाते हैं। हवन के धुएं से कफ, मांसपेशियों में खिंचाव, गर्दन में दर्द, अर्थराइटिस जैसी बीमारियों में भी आराम मिलता है। साथ ही साथ हवन करने से वातावरण में और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है। यह सब संभव हो पाता है तिल के कारण ही, क्योंकि हवन में सबसे ज़्यादा मात्रा तिल की ही होती है। शिवलिंग पर भी काले तिल अर्पित करने के क्या लाभ होते हैं और कैसे अर्पित किया जाता है, इस तरह के प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं। भगवान शंकर के हर भक्त के मन में आता ही है कि वे कैसे भगवान शंकर को प्रसन्न करें। इस समय भगवान भोलेनाथ के भक्त तरह तरह के उपाय करके बाबा को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। शास्त्रों में शिवलिंग पर तिल चढ़ाने के विशेष फायदे दिए गए हैं। वैसे तो महादेव को धतूरा, भांग, बिलपत्र ये सभी अत्यधिक प्रिय हैं, लेकिन महादेव को तिल भी काफ़ी प्रिय हैं और तिल चढ़ाने से काफ़ी फायदा भी होता है। शिवलिंग पर तिल चढ़ाने से महादेव प्रसन्न होते हैं। राहु केतु के अशुभ प्रभाव से दूर करने होने के लिए सोमवार के दिन मिट्टी के दिए में शिवलिंग के सामने जलाएं और उसमें 5-7 दाने काले तिल के डाल दें। ऐसा करने से राहु केतु और शनि की अशुभता समाप्त हो जाएगी और वे शुभ परिणाम देने लगेंगे।
सावन मास के महीने में यदि शिवलिंग पर काला तिल चढ़ाया जाता है तो महादेव जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। साथ ही साथ शिवलिंग पर काला तिल चढ़ाने से शत्रुओं का नाश भी होता है। शिवलिंग पर काला तिल चढ़ाने से शनि देव की अशुभ प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शिवलिंग पर काला तिल चढ़ाने से व्यक्ति हर प्रकार की समस्याओं से छुटकारा पा लेता है। जन्म कुंडली में यदि सूर्य और शनि की युति होती है तो शिवलिंग पर काला तिल चढ़ाने काफ़ी लाभदायक होता है। शिवलिंग पर काला तिल अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा बनी रहती है और साथ ही साथ कामनाओं की भी पूर्ति होती है। घी के दीपक में 7 या 9 दाने तिल के डालकर शिवलिंग के सामने दीपक जलाने से कुंडली के सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। एक लोटा जल लेने हैं और उसमें 7 दाने तिल के डाल दें और वह जल फिर महादेव को अर्पित करें। ऐसा करने से महादेव काफ़ी प्रसन्न होते हैं। शनि ग्रह की दशा से मुक्ति पाने के लिए तिल के तेल की दीपक जलाना चाहिए, इससे देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। शनि देव कर्मों के देवता माने गए हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन शमी के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं। इसके अतिरिक्त मंगलवार और शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे तिल का दीपक काले तिल डाल करके जलाने से शनि देव प्रसन्न होते हैं और कष्ट को हरण करते हैं। शिव पुराण में तिल दान करने का काफ़ी महत्व बतलाया गया है। उसी प्रकार से नारद पुराण में बतलाया गया है कि प्रतिकर्म में जितने तिलों का उपयोग होता है उतने ही 1000 वर्षों तक पितर स्वर्ग में रहते हैं। पद्म और वायु पुराण के मुताबिक श्राद्ध कर्म में काले तिल का उपयोग करने से पितर प्रसन्न होते हैं। वहीं गरुड़ पुराण के अनुसार मान्यता है कि पूर्वजों की मृत्यु अचानक या किसी दुर्घटना में हुई तो उनके लिए तिल और गंगाजल से तर्पण करना उनकी मुक्ति का कारण बनता है। भारतवर्ष में इस प्रकार की मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पितर पृथ्वी पर उतरते हैं और हम जो उन्हें भोग लगाते हैं वे वो ग्रहण करते हैं। ऐसी परिस्थिति में वैज्ञानिकों ने माना है कि ब्रह्मांडीय स्तर पर हमारा देश एक विशेष ऊर्जा से भर जाता है। यह एक छोटी बात नहीं है। पितृपक्ष के दौरान हमारा देश भारत विशेष ऊर्जा से लीन रहता है और ऐसे में यदि हम पितृपक्ष के दौरान एक विशेष प्रकार की पूजा पद्धति अपनाते हैं तो यह हमारे लिए काफ़ी कारगर होता है। इसी दौरान मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान यदि हम उन्हें काला तिल अर्पित करते हैं तो यह हमारे लिए काफ़ी लाभदायक होता है। पितर अगर आपसे रुष्ट हैं तो वो पितृदोष का कारण बनते हैं, जिसके कारण व्यक्ति का जीवन अशांत हो जाता है और मनुष्य की तरक्की रुक जाती है। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान काले तिल की कुछ उपायों को करने से पितर आपसे संपूर्ण रूप से प्रसन्न होने लगते हैं। जैसे कि पितृपक्ष के समय में जब आप पितरों को तर्पण अर्पण करते हैं तो उस जल में कुछ मात्रा काले तिल को भी शामिल करें, इससे वे प्रसन्न होते हैं क्योंकि काला तिल यमराज को काफ़ी प्रिय है। जो पितर यमलोक में कष्ट भोगते हैं उनको इससे काफ़ी राहत मिलती है, जिससे सनातन धर्म के विभिन्न प्रकार के वेद उपनिषदों पुराणों में हमारे पितरों को प्रसन्न रखने के बारे में बतलाया गया है। राशि के अनुसार भी तिल का खास उपयोग हमारे शास्त्रों में बतलाया गया है, जिसके उपयोग करने से हम अपने सौभाग्य को जगा सकते हैं और दुर्भाग्य को मिटा सकते हैं। जैसे कि मेष राशि यदि काले तिल सिर से 11 बार वार कर पीपल के पेड़ में चढ़ा दे तो वह दुर्भाग्य को कटित करता है। उसी प्रकार से वृषभ राशि भगवान विष्णु पर तिल उड़द की खिचड़ी का भोग लगाए तो वह सर्व मनोकामनाओं की पूरी करता है। मिथुन राशि के जातक यदि तिल और गुड़ से बने लड्डू विष्णु मंदिर में भोग लगाते हैं तो उनकी बाधाएं दूर होती हैं। उसी प्रकार से कर्क राशि तिल और दूध का मिश्रण से महादेव का अभिषेक करते हैं तो वह वैभव की प्राप्ति करते हैं। सिंह राशि भगवान विष्णु पर चढ़े काले तिल व नारियल गरीब महिला में दान करे तो रोगों का निवारण होता है। कन्या राशि रोटी पर तिल का तेल लगाकर किसी गरीब बच्चे को खिलाए तो
जीवन में कटुता मिटती है और प्रेम का आरंभ होता है। उसी प्रकार से तुला राशि पूजा घर में कर्पूर से काले तिल जलाकर भगवान को धूप दे तो गृह कलेश से मुक्ति मिलती है। वृश्चिक राशि भगवान विष्णु पर चढ़े काले तिल को गरीब में दान करें, जिससे उनके संकटों का निवारण होता है। उसी प्रकार से धनु राशि भगवान विष्णु पर चढ़े काले तिल में शहद मिलाकर के खाते हैं तो विभिन्न प्रकार के ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। मकर राशि के जातक यदि आटे और काले तिल की रोटी कुत्तों को खिलाते हैं तो नज़र दोष से मुक्ति मिलती है। कुंभ राशि के जातक यदि 11 मुखी दीपक तिल के तेल से जलाकर के भगवान विष्णु के आगे पूजा करते हैं तो उनकी आर्थिक संकट दूर होती है। और मीन राशि के जातक विष्णु पर चढ़े तिल पीले कपड़े में बांध करके अपने रसोई घर में रखते हैं तो धान्य धान्य में उनकी काफ़ी वृद्धि होती है। ये तो हो गई सभी 12 राशियों के बारे में। अब जानते हैं और भी कई रोचक बातें। मान्यता है कि घर में यदि तिल का पौधा अपने आप उग जाता है तो यह संकेत देता है कि शनि देव आपसे प्रसन्न हैं और आप पर अपनी कृपा बरसाएंगे। तिल का पौधा घर में उगने से यह संकेत भी प्राप्त होता है कि आपके पितर आप पर प्रसन्न हैं और आपको रोजाना ही उन्हें प्रणाम करना चाहिए। तिल का पौधा यदि घर में उग जाए तो इस बात का भी कारक है कि राहु की दुष्प्रभाव आप पर समाप्त हो जाएगी और नकारात्मकता आपके घर से हट जाएगी। तिल का पौधा घर में उगना जीवन की परेशानियां, नौकरी या व्यापार की कठिनाई और वैवाहिक जीवन की समस्या को दूर होने का दर्शाता है। वास्तुशास्त्र में तिल का पौधा घर में उगना काफ़ी सकारात्मक पक्षों को दर्शाता है। तिल का पौधा यदि हमारे घर में उग जाए तो इसे उत्तर या पूर्व की दिशा की में स्थापित करना चाहिए। साथ ही महादेव पर तिल तो चढ़ा ही सकते हैं और उसमें उत्पन्न सफ़ेद लाल फूल भी महादेव को अर्पित किया जा सकता है। इससे महादेव काफ़ी प्रसन्न होते हैं। अब जानते हैं तिल में आखिर इतना महत्वपूर्ण क्या है। तिल में विभिन्न प्रकार की कैलोरीज होती हैं, प्रोटीन होता है, वसा होता है, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कॉपर, मैग्नीज, आयरन, जिंक, ये सभी काले तिल में पाए जाते हैं। तिल में जो कैल्शियम पाया जाता है वह हमारे हड्डियों को काफ़ी मजबूत बनाता है, जिससे काले तिल खाने से हमारे जोड़ों और हड्डियों में की दर्द में राहत मिलता है और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों का भी खतरा कम हो जाता है। काला तिल फाइबर का एक बेहतरीन स्रोत है। यह प्रति 30 ग्राम 3.5 ग्राम फाइबर प्रदान करता है, जो हमारी दैनिक आवश्यकताओं का 12% होता है। फाइबर चूंकि पाचन क्रिया में सहायक होता है, इसलिए यह हमारे लिए काफ़ी बेहतरीन उपाय है। यह कब्ज को रोककर हमारे शरीर की आधी बीमारियों को रोक देता है तथा फाइबर कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करके और रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर करके हृदय स्वास्थ्य का भी समर्थन करता है, जिससे हृदय संबंधी बीमारियां और टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा भी कम हो जाता है। हार्ट डिजीज़ के लिए भी काला तिल काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। मान्यता है कि काले तिल में हृदय के लिए अनुकूल पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि मोनोअनसैचुरेटेड और पॉलीअनसैचुरेटेड फैट, जो खराब कोलेस्ट्रॉल जैसे कि LDL के स्तर को कम करने में मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर और विभिन्न खनिजों की उपस्थिति सूजन को कम करती है, हमारे ब्लड प्रेशर के लेवल को कंट्रोल करती है। एंटीऑक्सीडेंट का गुण भी यह काला तिल प्रदान करता है। इसमें काफ़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो हमारे तनाव का स्तर कम कर देता है और रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा हमारी विभिन्न पुरानी बीमारियों को भी कम रखता है। काला तिल प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत माना जाता है, जो कभी भी आहार में शामिल करके एक बेहतरीन विकल्प बनाया जा सकता है। प्रोटीन मांसपेशियों के निर्माण के लिए काफ़ी आवश्यक है, जो वजन बढ़ाने का भी काम करती है और वजन को एक साथ रखने का भी काम करती है। मुख्यतः स्त्रियों में हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या रहती है। यह तिल
हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करता है क्योंकि इसमें काफ़ी मात्रा में एस्ट्रोजन पाया जाता है जो स्त्रियों के लिए काफ़ी लाभदायक होता है, जिससे उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिलता है। चूँकि तेल विभिन्न प्रकार के हार्मोन रिलीज करता है, इसीलिए यह ऐसे व्यक्तियों के लिए वरदान है जो थायराइड से परेशान है। काले तेल में चूँकि आयरन, कॉपर और मैग्नीज पाया जाता है, इसीलिए यह एनर्जी बूस्टर का भी काम करता है। तेल में विशेष प्रकार के अमीनो, फैटी एसिड और प्रोटीन पाए जाते हैं जो हमारे मस्तिष्क के लिए काफ़ी लाभदायक हैं। तिल के प्रोटीन हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को अमीनो एसिड से बने न्यूरोट्रांसमीटर के माध्यम से एक दूसरे के द्वारा संवाद करके मदद करते हैं। अमीनो एसिड प्रोटीन भी पाए जाते हैं और ओमेगा 3 और 6 फैटी एसिड से भरे होते हैं। ये आवश्यक वसा है जो हमारे शरीर द्वारा उत्पादित नहीं होती है, इसीलिए इनका सेवन हमें बाहर से करना पड़ता है। ओमेगा फैटी एसिड सामान्य मस्तिष्क कार्य को बनाए रखने के लिए कोशिकाओं का निर्माण करता है और साथ ही मस्तिष्क के भीतर कनेक्शन के निर्माण के माध्यम से विभिन्न प्रकार की यादों को संग्रहित करने में मदद मिलता है। इस आहार का व्यवहार करने से अल्जाइमर जैसे रोगों से लाभ प्राप्त होता है और विभिन्न प्रकार के आनुवंशिक तनाव और मानसिक उत्तेजना से भी राहत मिलती है। 2011 के एक अध्ययन में पाया गया है कि तिल का तेल यदि हम अपने शरीर पर उपयोग करते हैं तो पराबैंगनी यूवी किरणें का हानिकारक प्रभाव से हम अपने शरीर को 30% तक रोक सकते हैं। ये यूवी किरणें हमारे सनबर्न का भी कारण बनती है और हमारे शरीर में झुर्रियाँ भी इन्हीं किरणों से बनती है। स्किन कैंसर का भी कारण इन्हीं यूवी किरणों को माना जाता है, लेकिन शोध के अनुसार काफ़ी हद तक ये किरणों से हमारी रक्षा तिल का तेल करता है। तिल और तिल का तेल तो काफ़ी फ़ायदेमंद है ही, साथ ही तिल की पत्तियां भी काफ़ी फ़ायदेमंद हैं। तिल की पत्तों में मौजूद मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड कोलेस्ट्रॉल को घटाने में मदद करता है, साथ ही तिल के पत्तों का सेवन पेट संबंधी विकारों से भी बचाता है। तिल के पत्ते को सिरके या पानी में पीसकर मस्तक पर लेप लगाने से सिर दर्द में काफ़ी आराम मिलता है और कब्ज में भी तिल के पत्तों का पाउडर का उपयोग किया जाता है। लेकिन तिल की तासीर गर्म होती है। तिल के बीजों में स्वाभाविक रूप से गर्माहट होती है जो सर्दियों के लिए तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन गर्मियों में तिल का सेवन काफ़ी हद तक कम करना चाहिए ताकि यह हमारे शरीर को किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाए। और इस प्रकार से हमने जाना कि विष्णु भगवान के पसीने से तिल उत्पन्न हुआ और वह किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है।